सपने और दर्शन के बीच में क्या अंतर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। बहुत सारे विषयों के ऊपर में मैंने वीडियोस बनाया है और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक्स में जरूर जाइएगा। बाइबल में सपने और दर्शन दोनों के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने संतानों से संपर्क करते हैं। ये दोनों का अलग अलग महत्व है आत्मिक जीवन में। सबसे पहले समझते हैं सपनों के बारे में। सपने तब आते हैं जब एक व्यक्ति सोया हुआ होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का 37 का 5 से लेके 7 तक जब हम देखते हैं, यूसुफ को बहुत सारे सपने आए जब वो सोया हुआ था। वो कहता है कि मैं सो के उठा और मैंने सपने देखा। तो बहुत सारे जो सपने जो यूसुफ के जीवन में आए वो उसके सोने के समय आए, और ये सपनों के द्वारा परमेश्वर यूसुफ के भविष्य के बारे में यूसुफ को बयां कर रहा था। तो सपने के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ गहरी बातें बताते हैं। और सपनों के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि सपने तो आएंगे लेकिन उसको अर्थ बताने का गिफ्ट होना जरूरी है, जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिफ्ट ऑफ ड्रीम्स, माने सपनों का अर्थ को बताने वाला वर। तो ये सपनों का अर्थ कौन बताता है? सपनों का अर्थ परमेश्वर बताते हैं, या वो लोग जिनको परमेश्वर ने विशेष तरीके से ये वर दिया है। चलिए अभी दर्शन के बारे में समझते हैं। दर्शन क्या है? दर्शन पाने के लिए एक व्यक्ति को सोने का जरूरत नहीं है, वो जाग कर भी दर्शन को देख सकता है। प्रेरितों का कार्य के 10वें अध्याय का 9 से लेकर 16 में पतरस छत के ऊपर था और वो अचानक एक दर्शन देखता है कि वो दर्शन में शुद्ध और अशुद्ध जीवों को देखता है। दर्शन प्रार्थना के समय में, ध्यान करते समय में, और कभी कभी अगर कोई बहुत ही जरूरी संदेश है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, तो उस समय में परमेश्वर एक दर्शन के रूप में परमेश्वर आपको वहां देंगे। उस समय आप गाड़ी चला रहे होंगे, बैठकर किसी से बात कर रहे होंगे, या कोई चीज को देख रहे होंगे, कोई भी समय में यह दर्शन परमेश्वर आपको दे सकते हैं। वास्तविक रूप में जितने सारे दर्शन होते हैं उसमें बहुत सारे दर्शनों को, माने आधा से ज्यादा दर्शनों को कोई भी इंटरप्रिटेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी उसका अर्थ बताने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दर्शन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो दर्शन होता है वो हमेशा उस परिस्थिति के बारे में साफ वर्णन के रूप में दिया जाता है। लेकिन जब हम दानियल का 7:1 देखते हैं, तो दानियल लेटा हुआ था या सोया हुआ था, तो बाइबल कहता है कि उस समय में वो एक सपन भी देखा और दर्शनों को भी देखा। तो दानियल के इस पुस्तक से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर दर्शन का और सपनों को दोनों के माध्यम से परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजें बताएंगे, यानी परमेश्वर ये दोनों माध्यमों से हमें भविष्यवाणी या हमारे प्रस्तुत हालात के बारे में, जिसके बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर हमें बताएंगे। योएल का पुस्तक 2:28 में लिखा है कि उस दिन परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की प्रजा पर उतरेगा, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और बूढ़े लोग जो है वो सपने देखेंगे, और जवान लोग जो है वो दर्शन देखेंगे। इस वचन से ये स्पष्ट है कि परमेश्वर दर्शनों और सपनों को बहुत अधिकायत रूप से संपर्क में इस्तेमाल करेंगे, यानी कम्युनिकेशन के लिए परमेश्वर दर्शन और सपनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अंत दिनों में। ये हमें बताता है कि एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के संतान को दर्शन और सपने ये दोनों के माध्यम से परमेश्वर उससे उसके जीवन के बारे में, उसके भविष्य के बारे में और उसके मौजूदा हालतों के बारे में परमेश्वर उससे संपर्क करेंगे।